वेलकम बैक स्टूडेंट्स. टुडे वी आर टेकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं. कैसे इंक्रीज करते हैं? वी आर नो वेरी वेल दैट अवर एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट in 78%. The amount of nitrogen present in our atmosphere is 78%. इतना लार्ज अमाउंट होने के बाद भी एटमॉस्फेयर में हमारे 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमारे जो प्लांट्स हैं इस फ्री फॉर्म वाली गैसियस फॉर्म वाली नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. उनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में डिजोल्व फॉर्म में आयंस के नाइट्रेट आयंस के रूप में नाइट्राइट आयंस के रूप में चाहिए होती है. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में चाहिए होती है जिनको हम नाइट्रोजन कंपाउंड कहते हैं. तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे इंक्रीज करते हैं? इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. लेट्स सी. नाइट्रोजन फिक्सेशन द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन ऑफ एयर द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एयर इन टू नाइट्रोजन कंपाउंड. जो फ्री नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी एयर में 78% उससे नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो कुछ हमारे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं एल्गी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में. इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इनक्रीज कर देते हैं. कैसे? लेट्स सी. नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फ्री नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसी प्रोसेस का नेम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इच इज द सॉयल विथ नाइट्राइट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में जो हमारी सॉयल होती है वो किससे भरपूर हो जाती है? नाइट्रेट से. NO2 ये क्या है? हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड है विच आर यूज बाय प्लांट सेल और वो प्लांट सेल द्वारा यूज कर लिया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के सिंथेसिस में प्लांट सेल उसको सॉयल से वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं इजीली. स्पीशीज ऑफ राइजोबियम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो हमारा जो राइजोबियम है वो भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स. ये लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. रूट्स में जो हमारे लेग्यूम प्लांट होते हैं जैसे हमारी पी होती है बीन्स होती है सोयाबीन होती है उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें छोटे 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 जो हैं नोड्यूल्स बन जाते हैं. नोड्यूल्स मीन्स छोटी छोटी गांठें सी बन जाती हैं. तो उन नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है सिम्बायोटिकली. आपको पता है रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाए थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है जिसमें दोनों मेंबर रिलेशनशिप के बेनिफिशियल दोनों के लिए ही वो रिलेशनशिप बेनिफिशियल होता है. ठीक है, जिसमें दोनों को ही लाभ होता है ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो राइजोबियम जो है वो हमारी किसके साथ रहता है? लेग्यूम प्लांट की रूट्स नोड्यूल में रहता है और वहाँ से वो क्या करता है प्लांट की हेल्प? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है तो नाइट्राइट्स को प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट से बदले में उसको क्या मिलता है? फूड मिलता है. तो हुआ दोनों को फ़ायदा. तो जो हमारा कौन सा बैक्टीरिया था जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता था? राइजोबियम. एल्गी आर ऑल्सो यूज एज ऑर्गेनिक मैन्यूर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी.
और एल्गी को भी हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि एल्गी में भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।